देखिए, बहुत ऑब्वियस सवाल ये है कि क्या पुणे पुलिस को ये मालूम नहीं कि एपेक्स कोर्ट क्या होता है? वो इस मुल्क का हाईएस्ट जुडिशियल ऑर्गन है। कैटेगरिकली कहा है कि उनको 4 हफ्ते की रिलीफ दे रहे, 11 फरवरी 11 फरवरी होता है, वो 2 फरवरी नहीं होता है, ये मालूम नहीं है महाराष्ट्र पुलिस को। तो हमको भी ये समझ नहीं आ रहा कितना डेस्परेट क्यों है। कौन है आनंद तेलतुंबड़े? पब्लिक इंटेलेक्चुअल है, लिखते हैं, मोर्चा निकालते हैं सरकार के खिलाफ। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा यदि कुछ एंटी नेशनल है तो वो कास्ट है। व्हाट इज एंटी नेशनल इज कास्ट। विदाउट एनाइलेशन ऑफ कास्ट न्यू इंडिया कांट बी क्रिएटेड, एंड विदाउट पीपल लाइक आनंद तेलतुंबड़े कास्ट कैन नॉट बी एनाइलेटेड। ये वो शख्स है। तो हमको तो ये समझ ही नहीं आ रहा है। और आज उनका जो ऑर्डर पास हुआ, इंटरिम रिलीफ उनको जो ग्रांट किया है कि भाई ये तो इलीगल था उनका अरेस्ट, विच इज एन ऑफेंस अंडर एट्रोसिटी एक्ट। हुएवर नॉट बींग अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, इफ रॉन्गफुली फॉल्सली फाइल्स अ केस अगेंस्ट अ पर्सन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, देन इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। इस हिसाब से यदि इस मुल्क में सचमुच ट्रू स्पिरिट में रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करे, तो पुणे पुलिस के जिन अफसरों ने आनंद तेलतुंबड़े की लिबर्टी को इन्फ्रिंच किया, उनके भी गिरफ्तारी की, उनके खिलाफ एट्रोसिटी के 100 धारा के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इफ रूल ऑफ लॉ प्रिवेल्स ट्रूली। हमको तो ये समझ ही नहीं आ रहा ये क्या चल रहा है। गुजरात में भी हम लोगों ने यही देखा कि जब भी मोदी जी स्टिकी विकेट पे है, जब भी हिंदुत्व की कॉम्युनल लहर क्लिक नहीं हो रही है, तो अचानक कोई इशरत जहां, कोई सादिक जमाल, कोई समीर खान पठान, कोई तुलसीराम प्रजापति, कोई सोहरावुद्दीन, सब मोदी को मारने ही आते थे। तो ये कंप्लीटली फैब्रिकेटेड ये जो कह रहे हैं ना कि इन अकेडेमिशियंस इंटेलेक्चुअल्स ने मिलकर षड्यंत्र किया है मोदी जी के खिलाफ, नहीं, ये मोदी की सरकार ने इस मुल्क में डिसेंट रखने वाले, संघ और भाजपा की आइडियोलॉजी के खिलाफ सालों से लिखने लड़ने वाले लोगों के खिलाफ, ये जो अर्बन मनु है जिनका नाम नरेंद्र मोदी है, ये अर्बन मनु का खुद का ये डिजाइन किया हुआ प्लॉट है, ये उनका षड्यंत्र है। आनंद तेलतुंबड़े और भीमा कोरेगांव में जिन साथियों की गिरफ्तारी, उनका कोई षड्यंत्र नहीं है। अरे भीमा कोरेगांव नाम की जगह ज्योग्राफिकली कहाँ लोकेटेड है वही हमको मालूम नहीं, एंड स्टिल आई एम फेसिंग एन FIR। आई एम फेसिंग द FIR फॉर कमिंग अप विद द मोस्ट प्रोग्रेसिव कंटेंट ऑफ माई लाइफ इन माई स्पीच। मैं 50 बार सारे न्यूज चैनल्स में रिपीटेटिव लगने का रिस्क लेकर बार बार एक ही लाइन बोलता रहता हूँ कि भाई हर शाम को आपकी चैनल में डिबेट होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स को, एमिनेंट क्रिमिनल लॉयर्स को, और आपकी चॉइस के हाईकोर्ट और रिटायर्ड के जज को बिठाओ, मेरी पूरी स्पीच रन करो, और यदि वो कहे कि इनकी स्पीच का ये एक पर्टिकुलर शब्द प्रोवोकेटिव है, मैं पब्लिक लाइफ छोड़ दूंगा। ये मोदी जी को बिना फिजूल की, बिना कुछ किए सिंपति मिले, लड़ने वाले लोगों को टारगेट करके जेलों में डाला जाए, और कानून क्या है, UAP है, तो सब जानते हैं उसमें महीनों तक, कभी कभी 2-3-4 साल तक आप किसी को भी अंदर रख सकते हैं। तो हमारा डिमांड तो ये है कि UAPA का कानून भी रिपील होना चाहिए। जैसे जिग्नेश ने कहा, मैं सहमत हूँ उससे, लेकिन ऐसा है कि ये एक एक हमारे जो समाज के एक एक तबका को कैसे वो पूरा की पूरा एक जाति या एक पूरा आदिवासी तबका को या गरीब को, सबको टेररिस्ट बना रहे ना। तो पहले पिछले 10-15 साल से हर आदिवासी को उन्होंने माओवादी बनाया। अभी इस वक्त जो इंटेलेक्चुअल जेल में है वो है, लेकिन इस वक्त 100 के 100 हज़ारों आदिवासी लोग जेल में पड़े हैं, जिनको मालूम ही नहीं है कि वो क्यों जेल में है, जिनके पास वकील नहीं है, जिनके पास कोई निकलने का तरीका नहीं है। बहुत ही खतरनाक किस्म के ये जो एक असॉल्ट हुआ है छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में, सब जेल में पड़े हैं। अब दलितों की बारी आ गए, वो भी अभी कोई भी आवाज़ उठाते हैं तो वो नक्सल बन जाते हैं, तो वो सीधा आदिवासी या दलित का नाम नहीं लेंगे, सबको ये लोग आतंकवादी बना रहे हैं। मतलब इस देश में अब गरीब होना और आतंकवादी होना उसका डिफरेंस नहीं है। और चुनाव के पहले जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, जिसके साथ सरकार का कोई डिस्कम्फर्ट है, जैसे एक आनंद तेलतुंबड़े या एक सुरेंद्र गैडलिंग को आप अरेस्ट करो, जैसे एक विनायक सेन को किया,
तो हज़ार लोग डर जाएंगे ना, हज़ार लोग सोचेंगे पहले जाने से पहले. तो इन सम वेज द होल ऑफ सोसाइटी इज़ बीइंग मेड इलीगल, इज़ बीइंग लेबल्ड एज टेररिस्ट, एंड इट्स अ वे ऑफ ट्राइंग टू साइलेंस पीपल इन अ टेरिफाइंग वे. और ये इन अ वे ये जो अटैक आ रहा है अब इसके ऊपर, ये 10% रिजर्वेशन में पूरा जो दलित आदिवासी बहुजन लोग जो एक तरह से डिस्टर्ब्ड हो गए, अब उनके ऊपर क्या आएगा, उनके स्पोक्समैन को क्या बुलाया जाएगा, कितने बार कितने लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा. आप होम मिनिस्ट्री का फाइल्स में देखो तो वो कहते हैं कि ये लोग ज़्यादा खतरनाक हैं, जंगल से जो बंदूक चलाने वाले गुरिल्ला से ज़्यादा खतरनाक ये लोग हैं. तो ये कोई नया चीज़ नहीं है, चला इसको, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, उसका जो स्पीड अरेस्ट का. और जैसे आनंद तेलतुंबड़े जैसे किसी को अरेस्ट करना एक बहुत बड़ा प्रोवोकेशन है समाज को. जैसे उनका अरेस्ट का ऐलान हुआ तब भी इतने सारे स्टूडेंट्स आईआईटीज में, जहाँ पे भी वो लेक्चर देते थे, इतने सारे अम्बेडकराइट ऑर्गेनाइजेशन हैव रिजन इन प्रोटेस्ट टू स्टिल डू दिस. इट्स अ प्रोवोकेशन.